फिनिश ऑफ द थियरी पार्ट, देन वी विल डू द प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है? ओके, कोई बता सकता है व्हाट इज द, व्हाट डू यू कॉल द फंक्शन ऑफ सोलर प्लेक्सस? हर किसी का फंक्शन होता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोलर प्लेक्सस चक्र और मणिपुर चक्र? मैम मेन तो डिजायर्स के लिए है ना, फाइनेंस के लिए, डिजायर्स के लिए, जो भी हमारे डिजायर्स हैं, आई थिंक वो मणिपुर चक्र से ही रिलेट होती हैं। यस, कॉन्फिडेंस के लिए मैम, पर्पस कॉन्फिडेंस ऑफ भी डूइंग. हाँ, मैम, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस विल पावर, विल पावर एंड ऑल, होता है, विल पावर दूसरा है, कॉन्फिडेंस. पर्पस जो हम जो काम चाहते हैं, लाइक पर्पस, जिस पर्पस के लिए, टू डू समथिंग। दैट इज अ सो कॉल्ड डिजायर, राइट? यस जो मैम, यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चक्र फॉर मैनिफेस्टेशन. और फिजियोलॉजी किसी को पता है? कौन सा ऑर्गन करता है वो? स्टमक से करेक्ट, रिलेटेड, गट जो फीलिंग होती है हमारी, गट डाइजेस्टिव सिस्टम फीलिंग, है. हाँ, मैम डाइजेस्ट सिस्टम सारा इसी में आता है ना मैम। बिल्कुल, उसी में आता है. सबसे मेजर ऑर्गन लिवर, उसमें आता है. लिवर, पैनक्रियाज भी शायद, सॉरी, स्प्लीन, करेक्ट, पैनक्रियास. मैम स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन मैम। यस, वो सारा जो पुर्जा है हमारा, वो उसी में आता है. मेजर हमारा हाफ ऑफ द बॉडी, जो मेन ऑर्गन्स है, वो सोलर प्लेक्सस ही कंट्रोल करता है, ठीक है? एंड बहुत लोगों ने, मतलब सभी ने करेक्ट बोला. कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस थोड़ा हटके है विल पावर से. विल पावर मैं दूसरा चक्र जब बोलूंगी तब एक्सप्लेन करूंगी. बट कॉन्फिडेंस, जैसे किसी को स्टेज में जाके कुछ बोलना है तो उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, राइट? उसके लिए एक विल पावर चाहिए, इज अ डिफरेंट थिंग. हाँ, स्टेज तक पहुंचने के लिए एक विल पावर चाहिए, क्योंकि स्टेज पे हर कोई ऐसे नहीं पहुंच सकता ना, कुछ करना होगा उसको, राइट? तो वो एक अलग चीज है. बट स्टेज पे जाके बात करना एक अलग चीज है, राइट? तो इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए आपको. एंड सबसे बड़ी बात, अपने ऊपर प्यार. हम लोगों के लिए हम इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए वो, दैट इज नॉट सेल्फिशनेस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेल्फिशनेस हियर, नीदर सेल्फ सेंटर्डनेस हियर. बिकॉज जब कोई अपने बारे में ज्यादा सोचता है ना, तो हम लोग उसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं कि वो सेल्फिश है या सेल्फ सेंटर्ड है. बट क्या इज इट राइट और रॉन्ग, मैं उसमें भी नहीं पढ़ रही. बट जब कोई अपने बारे में भी सोचता है, बहुत सारे हाउसवाइफ्स अपने लिए कोई टाइम नहीं निकाल पाती है, पर वो घर का काम करती रहेंगी, बाकी सबका काम करती रहेंगी, बेचारी बैठेगी नहीं एक मिनट भी, राइट? तो वहां पे क्या आता है, शी इज गेटिंग ईदर एक्सप्लॉयटेड और शी इज बीन एक्सप्लॉयटेड, राइट? एक्सप्लॉयटेड भी नहीं बोलेंगे, बट वो अपने हिसाब से दे रही है सबको टाइम. बट अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के जब वो कुछ भी अपना फेवरेट काम करेगी, देन दैट मींस उसका सोलर प्लेक्सस इज गुड, ठीक है? समझ में आ रहा है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? तो सोलर प्लेक्सस क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चक्रा है वो. कोई भी टॉपिक आप हील करोगे, पहले सोलर प्लेक्सस हील करते हैं हम. क्यों? क्योंकि फर्स्ट वो बीच में है, हमारे पूरे फिजिकल बॉडी के बीच में है. जहां बीच में है, वो नीचे का भी चक्रा को हैंडल करता है, ऊपर का भी चक्रा को हैंडल करता है. वो एक फैक्ट्री बन जाता है बीच में, ठीक है? सेकेंड, सारे इमोशंस इसमें स्टोर होते हैं. गुस्सा, मेजरली नेगेटिव इमोशंस, यही उत्पादित, क्या बोलते हैं, स्टार्ट करता है. इसी से स्टार्ट होती है स्पेशली एंगर. एंगर टुवर्ड्स सेल्फ, टुवर्ड्स अदर्स, दो तरीके के एंगर होते हैं. अगर मैंने जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया, तो आपने कभी देखा है कुछ लोग होते हैं जो अकेले में या कमरे में बैठ के बड़बड़ 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 बोलते रहते हैं? कभी किसी ने देखा है ऐसे लोगों को? दे आर टोटली फ्रस्ट्रेटेड. व्हाई? बिकॉज
उनको जब मौका मिला था लाइफ में करने का तब उन्होंने नहीं किया, बट उसके बाद बैठ के वो जस्ट बोले जा रहे हैं, दैट मीन्स देयर सोलर प्लेक्सस इज होल्डिंग टू मच ऑफ एंगर, ओके, टुवर्ड्स सेल्फ। दूसरों की तो कर ही रहे हैं बट अपने अपना भी सोलर प्लेक्सस को जला रहे हैं वो। सेकेंड, कोई भी चीज करने के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए हमें सोलर प्लेक्सस बहुत हेल्दी रखना है, क्योंकि वो एक डिजायर देता है कि भाई तुम ये करो, ये चीज करो, ट्रैवलिंग हो जाओ, बैक पैक करो निकलो, कुछ भी हो करो, वाली चीज कौन देता है? सोलर प्लेक्सस। क्यों? क्योंकि वो आपसे रिलेटेड है, वो एक ही चक्रा है जो आपको अंदर से ट्रिगर करेगा कि यू हैव टू डू दिस। समझ में आई? कोई डाउट अभी तक? एंड फॉर मैनिफेस्टेशन वी नीड द एनर्जी ऑफ दिस चक्रा। कोई एक चीज आप सोचो, सबका एक एक विश होगा, राइट? कोई भी विश हो उसमें जो एनर्जी लगती है वो सोलर प्लेक्सस की ज्यादा लगती है, क्योंकि वो हमारी अंदर की आवाज है कि मुझे चाहिए। इसमें अगर सोलर प्लेक्सस नहीं काम किया तो वो काम नहीं होगा, आपका विश फुलफिलमेंट नहीं होगा। ये मेटेरियलिस्टिक चक्र है, ओके? वेट बैलेंसिंग के लिए भी सोलर प्लेक्सस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल लेवल, क्योंकि लिवर उसके पास है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी यही देखभाल करता है। एंड बाकी जैसे पैनक्रियाज, डायबिटीज, सब कुछ ये टेक केयर करता है। स्पेशली नेगेटिव इमोशंस लाइक लेजीनेस कम्स फ्रॉम मूलाधार, ओके? एंड व्हाट डू यू कॉल दैट, ग्रीडीनेस, दूसरों को देख के जेलसी, एनवियसनेस, वो जो हमारे जैसा ही हम चाहते हैं ना कि हम उनके जैसा बने, वो हम अपने आप को जो दूसरों को देख के जज करते हैं ना, वो सोलर प्लेक्सस से आती है। क्यों? क्योंकि उनका सोलर प्लेक्सस कंटामिनेट हुआ पड़ा है, इसलिए वो हेल्दी कॉम्पिटिशन इज टोटली डिफरेंट, जेलसी इज टोटली डिफरेंट, ओके? सो थिंक अबाउट दोज पीपल, आपके भी लाइफ में कोई ना कोई होता होगा जो आपको देख के जेलसी करता हो। कैन यू प्लीज स्कैन दैट एनर्जी इन योर सोलर प्लेक्सस? कितना एनर्जी आपके सोलर प्लेक्सस में है आपको देख के दूसरे लोग जल रहे हैं? स्कैन कीजिए। प्रमोद जी, आप स्कैन नहीं कर पा रहे हो, आप तो ऐसे ही कर लोगे ना, आपकी तो नहीं, जरूरत नहीं है आपको। ऐसा नहीं है। स्कैनिंग करने की कोशिश करता हूँ लेकिन स्कैनिंग में कुछ रिजल्ट ही नहीं आता है। बाकी जो एक बार आपके इंट्यूशन में पूछिए कि आपको परसेंटेज में दिखाए, नंबर में दिखाए ये एनर्जी कितना है। 67 हाँ बस, मैंने क्या बोला, आंसर चाहिए हमें। हाँ मैडम, एक बात बोलूँ क्या आपको? मेरी वाइफ को ब्रेन स्ट्रोक आया था 30 अगस्त को, ओके। और मैंने उसको हीलिंग किया है रेकी से, एंजल हीलिंग और अपना आकाशिक। ओके, शी इज एबल टू वॉक फॉर 30 मिनट्स कंटिन्यूसली। ओ वेरी नाइस, ऑसम। ब्रेन स्ट्रोक है मतलब वो अभी वो मूव कर सकते हैं, अभी चाय बना के देखेंगे वेरी नाइस, ये ये आप बोल रहे हो कितना बोलने के बिल्कुल। बाद, वेरी गुड। रेकी से किया है, और एंजल हीलिंग तो मैंने मतलब अपने आप ही जो भी नेट पे अवेलेबल है तो उसको करके मैंने सीखा था, और उसको भी हीलिंग दे रहा था तो थोड़ा कुछ चल रही थी। अभी 4 दिन पहले वो 30 मिनट वॉक करके आई है अकेले। वेरी गुड, वेरी गुड। किसी से भी किया हो पर बहुत बड़ी बात है, किया है ना आपने, आपका एनर्जी यूज करके हीलिंग किया। पहले जो मैं था ना, मतलब आपको मालूम है, यकीन ही नहीं करता था। हाँ अभी जब शुरू हुआ था मैंने, इसी दौरान जब वो बीमार थी तब मैंने सब सीखना शुरू किया। जितना भी सीख सकता था ना मैंने सब सीखते चला गया।
अप्लाई भी करते चला गया। तो रिजल्ट देखिए अभी सामने, अभी खाली मेडिसिन्स और रेकी हीलिंग, बस इतने से ही काम हुआ है। वेरी गुड, मेडिसिन को भी आप हीलिंग दे सकते हो, बताया ना आपको। मेडिसिन को भी वेरी नाइस। ओके, सोलर प्लेक्सस।